हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें से हमने 6 पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ लिया था, और आज आगे देखने वाले हैं एक और पर्सनालिटी के बारे में। तो ये पर्सनालिटी है लाला लाजपत राय। देखिए, लाजपत राय की जो है कोटेशन है कि ये कहते थे, इफ आई हैड द पावर टू इन्फ्लुएंस द इंडियन जर्नल्स आई वुड हैव द फ्लोइंग हेडलाइंस प्रिंटेड इन द बोल्ड लेटर ऑन द फर्स्ट पेज। पहला, मिल्क फॉर द इन्फेंट्स, फूड फॉर द एडल्ट्स एंड एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये लाला लाजपत राय का कहना था। इनके बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी जानते हैं कि फ्रीडम फाइटर थे। हमने जब कांग्रेस के सेशंस पढ़े थे उसमें भी इनके बारे में पढ़ा है पहले, ठीक है। तो हमने, क्योंकि ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जब कांग्रेस बढ़ गई थी तो इसके जो है लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के। तो लाला लाजपत राय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडिया। सिंपल सी बात है, याद रखेंगे। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द पंजाब केसरी और द एंड द लाइन ऑफ द पंजाब। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू बन चुका है कि किसे कहा जाता है पंजाब केसरी और किसे कहा जाता है लाइन ऑफ पंजाब। तो याद रखेंगे नाम लाला लाजपत राय का। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इन्होंने ला जो है ला ग्रेजुएट थे ये, गवर्नमेंट कॉलेज जो है लाहौर से जो है इन्होंने ला की डिग्री हासिल की। किससे इन्फ्लुएंस थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इन्होंने आर्य समाज को जो है वो ज्वाइन कर लिया था लाहौर में। इनका क्या मानना था, डेट द आइडियल्स इन द हिंदुइज्म कंबाइंड विद द नेशनलिज्म विल लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकुलर स्टेट। एक सेकुलर स्टेट को बनाने के लिए जो आइडियल्स हैं इन द हिंदुइज्म वो साथ में प्लस नेशनलिज्म, इन दोनों को जो है मिलाकर जो हम एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक सेकुलर स्टेट। तो हम जानते हैं अलोंग विद द बिपिन चंद्रा पाल एंड बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने जो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बने, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कौन हम जानते हैं, पाल और लाल, ये तीन जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो इनके पूरे नाम बिपिन चंद्रा पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और जो लाला लाजपत राय थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो अक्सर जो है बाल पाल लाल ही लिखा होता है। तो उसके अलावा जो थे ये इन्वॉल्व थे हिंदू महासभा में भी, और इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है लड़ा है अपने टाइम में। कुछ और इनके लिए पॉइंट्स है। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, 28 जनवरी 1865 जो थी इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। 28 जनवरी को 1865 में जो है ये पंजाब की डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में जो है वो पैदा हुए। विलेज का नाम अगर आ जाता है तो ढुडीका जो है विलेज है, आप स्पेलिंग देख लेंगे, ढुडाइक विलेज है पंजाब फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो है इन्होंने पॉलिटिकल, अगर हम इनकी बैकग्राउंड देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उस टाइम जो थे एग्रीटेशन हो रहे थे, पॉलिटिकल एग्रीटेशन पंजाब में, उसमें बढ़ चढ़ के जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा जो है इन्हें जो है डिपोर्ट कर दिया था बर्मा, ठीक है, फॉर इज पॉलिटिकल एग्रीटेशन के खिलाफ जो था ही वॉज डिपोर्टेड टू द बर्मा विदाउट ट्रायल। तो रोल अटैक आप जानते हैं, किसी को भी जो है पकड़ लिया जाता था तो विदाउट ट्रायल जो थे इन्हें जो है बर्मा जो है शिफ्ट कर दिया गया था, और कुछ महीनों के बाद जो है इन्हें जो है वो वापस लेके आए थे, रिहा कर दिया गया था क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था 1905 में हुआ था, इन्होंने जो उसे अपोज भी किया था, ही वॉज अपोज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। उसके बाद जो है 1917 में जो है ही फाउंडेड द होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन 1917। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर जो थी फाउंड की थी, तो न्यूयॉर्क में। देखिए, होम रूल लीग जो थी ऑफ अमेरिका, उसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, याद रखेंगे लाला लाजपत राय। इन द यूएसए ही वर्क टू गेट द मॉरल सपोर्ट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ताकि एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक मॉरल सपोर्ट मिले, उसके लिए भी इन्होंने काम किया। फिर हम बात करते हैं, he was elected the president of the All India Trade Union Congress के जो है वो president भी जो है चुने गए। उसके अलावा जो है he supported the non-cooperation movement of the Gandhi at the Nagpur session of the Congress in 1920।
कांग्रेस का जो 1920 में नागपुर में सेशन हुआ था वहां पर इन्होंने सपोर्ट भी किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी की। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रोलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग मासिकर। ठीक है, रोलेट एक्ट के बाद जो है जलियांवाला बाग मासिकर हुआ था उसे भी उसके लिए भी इन्होंने प्रोटेस्ट की। तो उसके बाद जो है डिप्टी लीडर भी रहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1926 में जो है ये डिप्टी लीडर भी जो इलेक्ट हुए किसके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। और 1928 में ही मूव्ड द रेजोल्यूशन इन द असेंबली रिफ्यूजिंग द कोऑपरेशन विद द साइमन कमीशन। हम जानते हैं साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, उसके खिलाफ जो है काफी प्रोटेस्ट हुई तो इन्होंने भी जो है उसे रिफ्यूज किया। ठीक है, देखिए आपका जो टेस्ट हुआ था उसके जो है मैंने आपको ईमेल जो है वो भेज दिए थे। ठीक है, जो आपका टेस्ट हुआ था उसके ईमेल जो है होपफुली जो है सभी को जो है वो मिल गए होंगे। ठीक है, आपके उसमें कितने कितने मार्क्स थे। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है अपनी ईमेल गलत लिखी थी जिसकी वजह से जो है ईमेल नहीं हो रही थी। अब ये मुझे कन्फर्म नहीं कि ईमेल जो है किसी को पहुँच गई है, बट जो टॉप स्टूडेंट थे जो टॉप 10 स्टूडेंट थे उनको अलग से जो है वो ईमेल जो है वो भेजी गई है। ठीक है, आप जो ये कोर्स है आप इसके लिए जो है बाकी बच्चे जो है इनमें से जो है 10 और स्टूडेंट जो है वो एनरोल कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बैच है तो इसका लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप इसके थ्रू जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो है अभी इसमें फीस स्ट्रक्चर जो है आप देखिए 130 रुपीज़ में जो है आपको पूरा ये बैच मिलेगा। 48% जो है वो डिस्काउंट होगा सिर्फ एक दिन के लिए। तो ये जो है इसमें आपका पूरा सिलेबस होगा, इसमें 15 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी है तो इसमें प्री रिकॉर्डेड जो है वो वीडियोस जो है वो आपको मिलेगी आपके सिलेबस के मुताबिक। तो इसमें जो है आप एनरोल कर सकते हैं, तो नीचे जो है वो लिंक दिया गया होगा, और नहीं तो आप यहाँ से जो है ये हमारा यहाँ से स्कैन करके भी जो आप डायरेक्ट लिंक पे पहुँच सकते हैं। इसे स्कैन कीजिए तो आप डायरेक्ट लिंक पे चले जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आपके टॉपिक है, जैसे कि चेंज ऑफ सीजंस है पहला टॉपिक, तो इसे पढ़ेंगे, इसके मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, इसके 3 लेक्चर आपके लग जाएंगे कम से कम, काफ़ी बड़ा टॉपिक है सोलर सिस्टम तो इसमें जो हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है इसके मेन जो है ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो हमने इसमें फ्री वीडियोज है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो स्टूडेंट जो है इसमें नहीं एनरोल होंगे तो वो YouTube पे फ्री चीज़ें देख सकते हैं। तो इसमें कुछ कंटेंट जो होगा वो एक्स्ट्रा अच्छा कंटेंट होगा। तो यहाँ पर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है टाइप ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस है जम्मू कश्मीर की बात की गई है। आप जानते हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उसके बाद जो है फॉरेस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट था उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुई है, जैसे कि उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये कंपनी बना दी गई है। तो इसमें भी जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद काफ़ी चीज़ें हुई है, तो हम लेटेस्ट डेटा के हिसाब से चीज़ों को पढ़ेंगे। आप देखते हैं जो बुक्स पे डेटा है वो काफ़ी पुराना हो चुका है तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें में चेंजेस आई है, उन चेंजेस को भी हमें पढ़ना होगा। फिर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट आपका अगला टॉपिक होगा। ठीक है, इसमें कंजर्वेशन एक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है हमें, काफ़ी चीज़ें हैं। फिर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें हमें जो है 5 नेशनल पार्क जो होंगे उससे रिलेटेड हर चीज़ पढ़नी है, इसमें स्पीसीज उसकी फ्लोरा फाना एरिया हर चीज़ जो है वो पढ़नी है, कंप्लीट वीडियो होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा, इसमें भी शायद 1-2 वीडियोस जो है वो लग जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर है। फिर हमने जो है वाटर रिसोर्सेज सोर्सेज ऑफ वाटर विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर पढ़ना है, तो ये 15 मार्क्स का आपका है। फिर रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ना है जो कि रिलेटेड है वाटर रिसोर्सेज, इनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने पहले पढ़ा है थ्योरी जो है वो सफिशिएंट आपके लिए, वही आप जो है कवर कर लीजिए, बेशक इसमें हम कुछ एमसीक्यू करवा लेंगे। फिर अगला टॉपिक जो है रोड्स एंड डिफरेंट रूट ऑफ द जम्मू कश्मीर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसे भी हम कवर जो है वो करवाएंगे आपके अच्छे से। तो इससे बाई करने के लिए जो है अभी 130 रुपीज़ में जो है 130 रुपीज़ जो एक नॉमिनल सी फीस है, इस फीस में जो है ये है आपके 15 मार्क्स है और आप जानते हैं एक एक मार्क्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा जो है बातें पता चल जाए तो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और नहीं जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। ठीक है, जिन्हें अगर ईमेल नहीं मिली होगी अपने मार्क्स की तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या तो हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पे कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पर उतना मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ तो आप जो है उन पर
जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कोई भी एडमिन जो होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। चलिए अगले पॉइंट हम देख लेते हैं इनसे, लाला लाजपत राय से रिलेटेड। देखिए इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, जैसे कि हिसार बार काउंसिल जो है इन्होंने बनवाई थी, क्योंकि मैंने कहा ये जो थे इन्होंने लाह पढ़ा हुआ था। उसके अलावा हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, उसके अलावा नेशनल डीएवी जो है मैनेजिंग कमेटी बनाई है। इसके अलावा जो थे ही वॉज द एडिटर ऑफ द आर्या गजेट, और हम जानते हैं ये को फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक के 1894 में जो बना था, उसके ये को फाउंडर थे। फिर इनकी डेथ कैसे हुई है, तो ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में, जब इन पे जो है लाठीचार्ज कर दिया गया था और लाठी जो थी इनके सर पे लगी थी। उस टाइम जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वो जेम्स स्कॉट थे, तो उसकी वजह से जो है इनको इंजरी आई थी, जिसके कुछ हफ्तों बाद जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो आज हमने पढ़ ली है एक पर्सनैलिटी लाला लाजपत राय से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, जिसमें फेसबुक है, हमारा टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो आप इन्हें जो है जरूर ज्वाइन कीजिए, और ठीक है, और बाकी जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन को पिन कर दूंगा, आप वहां से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।